नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल का स्वागत है। ये महिंद्रा अर्जुन नोवा 605 डीआई ट्रैक्टर डी जी साइंस के साथ में आज इस ट्रैक्टर में आपको मैं एसी की डिटेल्स बताऊंगा, ना कि कैबिन और किसी चीज़ की। जैसे कि हम बात करें, फुल्ली एसी कैबिन के साथ में ट्रैक्टर है। ये गिलास ट्रांसपेरेंट है, वैसे इन्होंने फिल्म लगवा रखी यहाँ पर, आप देख सकते हो डिफरेंस। ये गिलास ऐसा था, इन्होंने फिल्म लगवा के, क्योंकि ताकि धूप वगैरह में थोड़ा सा ठंड का फर्क पड़ता है, थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा रहता है। और फोन लाएगा, ये डबल साइड से खुल ओपन है डोर इसके, और जैसे चढ़ने के लिए इधर से नहीं, उधर एक साइड से ही दिया गया। ये रहा पूरा फुल्ली एकदम एंगल वगैरह लगा के प्रॉपर तरीके से। आपको इसमें खाली एसी कैबिन के बारे में बताऊँगा, दिखाऊँगा। ये एसी कैबिन आप देख सकते हो, यहाँ पर पायदान के साथ हमें प्रॉपर, ये पायदान ऊपर वाला जो गराज वाला पायदान उन्होंने बाद में लगवाया है। इधर रिमोट वगैरह डालने के लिए, इधर हैंडल इंडिकेटर वगैरह, ये मुडगार्ड के अंदर जो स्पेस है, अंदर ठीक ठीक स्पेस है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कम भी नहीं कह सकते, ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, वैसे ड्राइवर सीट के लिए काफ़ी कम्फर्ट है, मैंने बैठ के देखा था, इसको टेस्ट किया था। सस्पेंडेड पैडल के साथ में ट्रैक्टर आता है, ये पैर वाली रेस, और जो कि फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ में है ये ट्रैक्टर पूरा। ये ऊपर चढ़ने के लिए जो ये फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ में होने के कारण सिर्फ ये एंगल अलग से ज्वाइंट की गई इसके अंदर, बाकी सारा अंदर के फ्लैट प्लेटफॉर्म में रहता है। ये महिंद्रा 605 ऑलरेडी, इधर इन्होंने ये आगे एंगल वगैरह सेट करके प्रॉपर तरीके से राउंड में। और ये अगर आप पीछे का देखना चाहते हो तो पीछे फुल्ली, ये यहाँ से आप अपने पीटीओ वगैरह रोड देखना चाहते हो और फुल्ली आप ओपन कर सकते हो यहाँ से। ये दो डबल हैंडल दिए हैं ऐसे करके, डबल हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ में। ये बैक साइड ऐसे भी देख सकते हो, अपना हाथ पहुँचना मुश्किल है वैसे तो। अगर हम इसके ऊपर की बात, सनरूफ है ऊपर से भी, आप लाइटिंग की वजह से रोशनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। आप ऐसे सनरूफ भी है, लेकिन ये खुलता नहीं, आप खुलवाना चाहते हो तो खुलवा सकते हो इसको, यहाँ से ओपन कर सकते हो। इसके थोड़ा सा छोटा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये ब्लोर है जो हवा फेंकने के लिए, ये है ब्लोर बंद, और आप इसको किसी भी साइड घुमा सकते हो। ये चारों ऐसे घूम जाते हैं, जो कि कई कैबिनों में प्रॉब्लम आती है। इधर से आप ऑन कर सकते हो, ऑन ऑफ। ये ऐसी कूलिंग और नॉन हीटिंग के साथ में है। इधर ये जो बैग हवा वापस खींचता है अपना एसी, जो कि अंदर की हवा लेके, और ये जो स्पीकर हैं ये इनबिल्ट स्पीकर के साथ में आता है। इधर ये अपना और भी कुछ, जैसे ये लाइट लगाई गई यहाँ पर, ये कंपनी फिटेड लाइट के साथ में है। ये कैबिन काफ़ी अच्छा, अगर सनरूफ के ऊपर से जैसे सूरज की रोशनी आपकी आँखों पे डल रही है तो आप इसको यूज करके उससे बच सकते हो इजीली। ये बटन वगैरह जो ऑपरेटर ऑपरेशनल बटन है सभी यहाँ पे दिए हैं। इधर स्टीरियो ऑप्शन है, ये फिर एक और म्यूजिक सिस्टम, साइड वाला जो मिरर है आप ये भी खोल सकते हो, इसको भी आप खोल सकते हो, ताकि चलते टाइम हवा, जैसे बाहर की हवा सर्दियों में आप अंदर लेना चाहते हो और इजीली ले सकते हो। ये है महिंद्रा का अर्जुन 605 एसी कैबिन के साथ में, और बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। अगर हम इसकी पूंछ की बात करें, आपको मैं एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ ट्रैक्टर। अभी इस दरवाजे खुले हुए हैं और बंद करने के बाद ये आवाज़ है ट्रैक्टर की, इन्होंने एलसीडी अपनी तरफ से लगवाई है। बंद करने के बाद आवाज़ बिल्कुल कम है और वाइब्रेशन भी बहुत कम है, और खोलने के बाद ये आवाज़ हो जाती है इसकी, ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल आवाज़ बढ़ जाती है ट्रैक्टर की। हल्की सी गूंज आती है ट्रैक्टर के अंदर, अंदर से अंदर एक अलग सा महसूस होता है उसी कुछ, जैसे जो ट्रैक्टर की वाइब्रेशन है वो तो रहेगी, लेकिन काफ़ी कंफर्ट महसूस करोगे आप एसी कैबिन के साथ में। ये भाई, और जो इसका जो पूरी असेंबली एसी की असेंबली है वो छत पे है, ऊपर लगी हुई है ये रही। इसका ये बेनिफिट है, ताकि जैसे वो डस्ट वगैरह है वो आपके एसी को ब्लॉक ना कर सके और उससे एसी आपका ट्रिप ना करे। सिर्फ इंजन के पास में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर भी ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये मेन पुली के साथ में जॉइंट होके पैन बेल्ट के साथ में, ये दोनों आउटलेट और इनलेट ये अंदर चले जाते हैं यहाँ से। ये महिंद्रा 605
फैक्टर, फुल्ली एसी कैबिन। जैसे कि बाहर से आप देख सकते हो सामने दोनों लाइटें, फ्रंट लाइट और एक्स्ट्रा भी लगवा सकते हो आप, और जो बैक साइड है वो भी आप देख सकते हो यहाँ से। पीछे से भी फुल्ली लॉक्ड है, इधर पानी के लिए वाइपर वाटर है। महिंद्रा 605। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।